नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विथ रौनक। चलिए दोस्तों, इसे शुरुआत कर लेते हैं। आज है 15 जुलाई और टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 5:30 AM। तो बेसिकली मैं अभी देख रहा था मार्केट को कि वह मार्केट अप जाएगी डाउन जाएगी, ग्लोबल मार्केट वॉच कर रहा था। तो तभी मेरे रेडार पर मैंने एक शेयर को देखा कि भाई इसमें 14 तारीख को ये 8.5% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या अभी भी इसमें अप ट्रेंड बाकी है या ऐसी कोई न्यूज़ आई है, क्या हुआ ऐसा कि इसमें इतनी तेज़ी आई एकदम से? तो देख लेते हैं। ये अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड का शेयर है, ठीक है। तो ये ओपन होता है यस्टरडे को 114.10 पैसे का, हाई मारता है 124.40 पैसे का, लो मारता है 114.10 पैसे का, यानी कि 8.5% की तेज़ी के साथ ये बंद हुआ है। और ये इसका 52 हाई है 155.90 पैसे का, 52 लो है 86.50 पैसे का, ठीक है। ये तो ओवरव्यू हो गया शेयर का कि भाई लास्ट 52 हाई और लो कितना है और कितना हाई मारा। ये देखिए 8.5% की तेज़ी के साथ ये इसने अपना कार यस्टरडे को इसने वर्किंग करा और इतना तेज़ी के साथ भागा। अब देखते हैं भाई कंपनी क्या करते हैं, कंपनी का क्या है। तो कंपनी की ये मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है अपोलो माइक्रो सिस्टम के। माइक्रो सिस्टम के नाम से हमको समझ ही आएगा कि माइक्रो लेवल का जो इक्विपमेंट होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो ये इस चीज़ का काम करती है। तो कंपनी का जो ओवरव्यू बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी डिफेंस के सिस्टम, स्पेस के लिए, और यानी कि इसका ना जो वर्किंग है ज़्यादातर ये देखिए इसके अवर क्लाइंट देखिए सारे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए है। इसरो हो गया, NMDC हो गया, CRC, इन सब के यानी जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के हैं सबके लिए वर्किंग करती है और सबके लिए इक्विपमेंट बनाती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है। इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन देती है, क्रिटिकल एप्लीकेशन बनाती है, यानी कि काफ़ी सारे ऐसे वर्किंग जैसे PVC प्लेट बनाना, ठीक है। तो ये कई सारी चीज़ें का काम करती है कंपनियाँ नो डाउट, और लोग मेक इन इंडिया के ऊपर काम कर रही है और इंडिया की कंपनी है, ठीक है। ये देखा आप इंडिया की कंपनी है, ये 1985 से वर्किंग है, तो कंपनी ट्रस्टवर्दी है, कंपनी वर्किंग में है, यानी मेक इन इंडिया। और आपको देख सकते हैं कि जो अभी गवर्नमेंट है तो वो गवर्नमेंट जो है क्या वो मेक इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस कर रही है और घरेलू कंपनियों का अच्छा बिजनेस मिल रहा है। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम उसमें से एक है जिसको घरेलू बिजनेस मिलेगा, मेक इन इंडिया के ऊपर अच्छा काम होगा, ठीक है। ये देखिए आप वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं, यानी कि ये लोग काम सारा गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी के लिए करते हैं। ये देखिए रॉकेट लॉन्चर हो गया, स्पेस के लिए हो गया, एयरक्राफ्ट के लिए हो गया, इन सब में ये अपना माइक्रो सिस्टम लेवल, माइक्रो लेवल का जितना भी वर्किंग होता है सॉफ्टवेयर प्लेटिंग, यानी माइक्रो लेवल का जितना काम होता है उसको सपोर्ट करते हैं। अब चलते हैं भाई कंपनी के शेयर के ओवरव्यू पे देखते हैं। ये मैंने NSE की साइड ओपन कर रखी है, तो NSE की साइड पे देखते हैं कि भाई यस्टरडे को इन्हें कितना वर्किंग किया था, कितनी इसकी डिलीवरी हुई थी। ये देखिए 31.87% डिलीवरी उठाई गई है, ठीक है। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि 22 लाख के टोटल ट्रेड हुआ था, 22 सेल हुआ था, जिसमें से 7.5 लाख की डिलीवरी उठा के गए हैं लोग बाग, यानी अच्छी डिलीवरी हुई है यस्टरडे को शेयर के अंदर, और अभी भी बाइंग में शेयर लगे हुए हैं, ठीक है। अब मैं मनी टिकट टिप की साइड पर आ चुका हूँ। तो इसने देखिए एक ही दिन इसने वीक के अंदर कितना रिटर्न दे चुका है, ये 6% का वीक में दे चुका है और मंथ में 5%, अभी ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया। ईयरली वाइज इसने अभी 9% दिया, यानी कि अभी इसमें अब बहुत ही अब ट्रेंड बाकी है। अब मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। कंपनी का PE रेट 25 अच्छा है, काफ़ी यानी सही है PE रेट भी, ठीक है। ईयरली वाइज यानी कि पिछले ईयर से इन्हें 7% का रेवेन्यू जनरेट कम किया है, बट ईयरली भी ये प्रॉफिट मेकिंग है। देखिए 2018 से लेके 19-20 एवरी ईयर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी चल रही है, यानी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। और इसने क्वार्टर वाइज 118% का प्रॉफिट जनरेट किया था मार्च के अंदर, और अभी भी इसमें अच्छे प्रॉफिट आएंगे। तो कंपनी क्योंकि मेक इन इंडिया पर वर्क कर रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट मेक इन इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, तो कंपनी का विज़न भी यही है कि मेक इन इंडिया पर वर्क करना, तो कंपनी आने वाले ट्रेंड में और भी अब ट्रेंड जाएगी, ठीक है। ये हो गया कंपनी का, यानी कि आपको मैं दिखाता हूँ फाइनेंशियल के अंदर जाके।
तो कंपनी का और क्या है ये देखिए, यानी कि कंपनी का जो है ना नेट इनकम ये आई थी, यानी कंपनी सही है, ठीक ठाक है, कर्जे मुक्त है। पहली बात तो ये है कि कंपनी के अंदर वर्किंग अच्छा है। कंपनी आप देखते हैं भाई, ऐसा क्या हुआ है कि कंपनी एकदम से इतनी तेज भागी है, ठीक है। तो ये तो अभी चल रहा है, कंपनी भागने की वजह और समझ लेते हैं अपन लोग, कंपनी ने भागना क्यों हुआ एकदम से। तो अब मैं आपको इसका डेली चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं डेली चार्ट ओपन कर रहा हूँ। तो ये डेली चार्ट ओपन किया मैंने, ये डेली चार्ट पे हम लोग आ गए हैं। तो डेली चार्ट पे देखिए, ये यहाँ पे पहले इसने कैंडल बनाया था, ठीक है। इस कैंडल को बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है। इनने 12 जुलाई को एक कैंडल बनाया, 13 जुलाई को भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया, 14 जुलाई को इनने एक बुलिश कैंडल ट्रेड करा और हाई वॉल्यूम के साथ। यानी कि चार्ट पे जो ये टेक चार्ट के अकॉर्डिंग हम जाएँ तो चार्ट के अकॉर्डिंग में इसमें अभी और भी अप ट्रेंड बाकी हैं। और ये देखिए, ये MACD को क्रॉस कर रहा है, RSI अप ट्रेंड की तरफ हो चुका है। इन्वर्टेड हैमर दो कैंडल बनाने के बाद ये इसमें अप ट्रेंड आएंगे डेफिनेटली इसमें, ठीक है। और भी अप ट्रेंड आने बाकी है। अब मैं इसका आपको देखता हूँ डेली चार्ट पे कहाँ सपोर्ट ले रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये कहीं सपोर्ट ले रहा होगा यहाँ कहीं, ये पे डेली चार्ट पे। तो ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, इस कैंडल पे सपोर्ट लिया है इसने, क्योंकि ये कैंडल भी देखो, ये देखिए ये कैंडल यहाँ पे, ये 114 पे कैंडल बन रहा है। देखो यहाँ पे इसने 114 से सपोर्ट लेके, तो इसमें जो पहला लेवल आएगा वो आएगा 130 रुपये का। 130 का लेवल टूटता है तो दूसरा लेवल 140 का। अगर ये दो शॉर्ट टर्म के लेवल हैं मेरे, ये एक महीने के अंदर आ जाने चाहिए 130, 140। अगर 140 को पार करता है तो इसमें थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए 150 रुपये का टारगेट होगा मेरा। तो इन तीन टारगेट लिए बाय करके होल्ड करके पेशेंस बने रहिए। कंपनी अच्छी है, कंपनी का ओवरव्यू अच्छा है। कंपनी में ये देखिए, आपने ये कैंडल जब बनी थी 11 जनवरी 2021 को बनी थी, तो जनवरी के बाद आप सीधा एक यानी 4-5 ईयर का चार्ट पे ब्रेकआउट आ रहा है, 5 मंथ का चार्ट पे ब्रेकआउट आ रहा है, ठीक है। अब वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं हम लोग, वीकली चार्ट पे कैसा बिजनेस चल रहा है, इस पर चार्ट बन रहा है। ये देखिए वीकली चार्ट पे भी देखिए, यहाँ पे करेक्टिव होता है फिर ये अब ट्रेंड की तरफ आ चुका है। ये देखिए कितनी अच्छी हैवी वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो ये देखिए MACD भी अप ट्रेंड की तरफ है, RSI भी अप ट्रेंड की तरफ है। तो वीकली चार्ट पे भी अच्छा है और 5 ईयर के अपने 5 ईयर के हाई पे चल रहा है। इस टाइम पर शेयर 5 ईयर के हाई पे आया है, तो 5 मंथ के हाइस पे आया है। तो बेसिकली इसमें बाय करना है, पेशेंस साथ बने रहना है। तीन टारगेट हैं, दो टारगेट मेरे शॉर्ट टर्म के जो 1 महीने में आ जाएंगे, पहला 130, दूसरा 140। और 140 को ये पार करता है और 150 रुपये का इसमें अब ट्रेंड है, ठीक है। कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल भी कंपनी अच्छी है, शेयर भी अच्छा भाग रहा है, चार्ट के अकॉर्डिंग सही है और हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली इसमें बाय करके पेशेंस बने रहिए। आई होप अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।